स्वर्गीय राजेश पायलट किसान संगठन इंडिया की मीटिंग सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह मारवाड़ जंक्शन में आयोजित हुई। मीटिंग में संगठन से जुड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर पोपट पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तभी से महंगाई और जातिवाद बढ़ा है। किसान राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर पोपटल ने कहा कि 800 से अधिक किसानों की मौतें हुई लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और ना ही उन्हें किसी तरह का मुआवजा दिया। जिस प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी किसानों के प्रति नहीं निकले ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। डॉक्टर पोपट पटेल ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट एक किसान हितैषी नेता थे। उन्हें हमेशा किसानों की चिंता रहती थी और वह कहते थे जब तक मजदूर और किसान का बेटा पढ़ लिख कर विधानसभा में नहीं पहुंच जाता तब तक इस देश की उन्नति नहीं हो सकती। डॉक्टर पटेल ने कहा कि हमें किसानों के हित की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी रहे, हमें किसानों के हित में सोचना होगा। अन्यथा अगर यहाँ किसान नहीं होंगे तो हमें बड़ी समस्या होगी, देश को समस्या होगी। सरकार चाहे करे या न करे हमें किसानों के हितों में आगे आना पड़ेगा। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं अजय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज़। उसकी वजह से आज जो ये मोदी मोदी का राग ला रहे हैं ना, उनके बाप दंगा लेके उन्हें पढ़ा